अर्चना नाग गिरफ घटना खोलताल कर प्रवर्तन निर्देशालय आर्थिक निर्देश नहीं खोलताल कर ईडी कमिशनरेट पुलिस पाखरु एफआईआर कॉपी सह बहु गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट नेला ईडी बेआईन टंका कारबार अभियोग होता आरबीआई को अर्चना और तांक स्वामी बैंक ट्रांजाक्शन तथ्य मागिला पुलिस अर्चना नाग गिरफ घटन खोलताल कर प्रवर्तन निर्देशालय अधिक आलोचना करिबा रोशन रथ आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित फुलनाई जोगे जोड़ी होती रोशन खोलताल कर ईडी अर्चना नाग को जो प्रवर्तन निर्देशालय पक्षर खोलताल कर आर्थिक लेनदेन मामलें देखो निवेदिता जहां सूचना मिलूची जे ईडी ए मामलें वर्तमान पशिची एवं कमिशनरेट पुलिस ठारू ईडी एफआईआर कॉपी नहीं जेहेतु बेआईन भाव में आर्थिक कारबार होती अर्चना नाग एवं तांक स्वामी जगबंधु नाग अकाउंट रु जहां सूचना मिली जे विभिन्न समय अकाउंट रु मोटामोटा रंकर अंकर टंका डिपोजिट हो बैंक ट्रांजाक्शन रु जहां विश्वस्त सूत्र खबर मिली कमिशनरेट पुलिस एमंर बैंक डिटेल्स मागिता अर्चना बैंक डिटेल्स एवं जगबंधु बैंक डिटेल्स मागिता आरबीआई को सेतरु जहां सूचना मिलूची जे बैंक ट्रांजाक्शन एमाने अधिक करिरांती क्या अधिक भाव में देणनेण करछंती एवं से बेआईन टंकारे से माने विभिन्न आपण जदि देखिबे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर तीनोटी कंपनी खोलीथिले रेस्टोरेंट खोलिया को योजना करथिले एवं प्रोडक्शन हाउस मध्य खोलीथिले एवं घरे जो भली भाव में दामी असभाव पत्र लगाइछंती पाखा पाखी टोटल प्रॉपर्टी जदि देखिबे आपण 30 कोटी टंका हबो एबली स्थिति रे केउटीना केउटी ए टंका माने केउठो आनिथिले ताकू नै कि खोलताल करिवो ईडी एवं बड कथा हेउची विशेषकर जो अभियोग होउची जे बड़ बड़ नेता एवं अफिसर एमानंकु ए टंका देइछंती ब्लैकमेलिंग आकार रे तेणु किए टंका देइची केते टंका आसी से सबू मामला को वर्तमान ईडी खोलताल करिवो एवं ईडी तदंत पर एफआईआर कॉपी वर्तमान जहां कमिश्नरेट पुलिस को ईडी नेइची बोली जहां सूचना मिलूची ईडी तदंत आरंभ हवा पर स्पष्ट हबो जे क्यों क्यों दिगो को दे ईडी तदंत करछि एवं ईडी रो जो तार ईडी रो नजर रे केवल अर्चना रही अर्चना हजबैंड जगबंधु समेत जो अन्यान्य क्या क्या सागर ट्रांजाक्शन से माने रही कि वर्तमान पक्षर जेहेतु ईडी पक्षर कौन सूचना मिल पारिना गोटे कपी जिन सूचना मिलू कि एफआईआर कपी कमिशनरेट पुलिस ठार अर्चना मामलें ईडी नहीं ईडी ए मामलें खोलखाल कर निश्चित भाव रोशन जो कथा आपण कहते रोशन देखंतु अर्चना नाग एवं तांको स्वामी जगबंधु कथा कहतु जे वर्तमान ईडी स्कानर को माने आसीगले अधिक खोलताल करा जिबो जे जो मानको थारु से कार किनिथिले एवं विशेष करी एते कम दिन रे एते प्रतिपत्तिशाली हेबा आलिशान बंगला बनैबा एवं गोटे हाईफाई लाइफस्टाइल मेंटेन करबा ये केमती संभव आउ किछि आसी पारंती कि व्यक्ति विशेष जो माने एबे भी आसी पारु रहंती सामना को प्रछद पटे रही कि एमान को साहज सहयोग करते से मान भी ईडी स्कैनर को आसी पारंती कि रोशन निहाती भाव में देखो केवल जे अर्चना नाग ईडी स्कैनर को आसिबे ता नो अर्चना जो जो मानक सहित जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करथिबे जो माने अर्चना को टंका देथिबे से मानकर मध्य सोर्स ऑफ इनकम कोन से माने से टंका केउ आधार रे देइछंती ताहार खोलताल करबो ईडी जदि अर्चना को जो अभियोग आसुची जे अर्चना को विभिन्न लोक कोटि कोटि टंका देइछंती तेबे से माने भी ईडी स्कैनर रे पड़ी पारंती जेतेबेले ईडी ए मामला रा खोलताल कर वास्तविक रे क्यों क्यों माने टंका एवं सोर्स ऑफ इनकम कौन अर्चना सहित केमिति संपर्क कहीं अर्चना को टंका से तार टैक्सेशन से नहीं से सब मामला को नहीं ईडी घाटिबो रोशन देखंतु अर्चना किंबा तांको स्वामी जगबंधु कथा कहतु एम कौन चाकरी करनथिले एमानंकर जदि आपण देखिबे लाइफस्टाइल पूर्व लाइफ जीवन कथा बितौथवा कथा देखिबे एमाने एते भी हाई फाई फैमिली रो नुहंती किंतु एते कम दिन रे एते बड़ अचीवमेंट जे कोटि कोटि रो मालिक मालिकानी बनिबा एवं जो नेता मंत्री कथा रोशन कुआ जाउथला चर्चा हेउची जो मानक ना ए पर्यंत भी आसी पारुनी एवं सोशल मीडिया रे आमे अनेक फोटो देखुचंती जे सेमानंकु भी पाळी पड़ी पारे जेतु ईडी स्कैनर रे वर्तमान अर्चना एवं तांको स्वामी आसी गलेनी
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡି ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କୁ ବେସିସ କରି ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଯୋଉଟା ପୋଲିସ ମାଗିଛି, ପୋଲିସ ଆର୍ବିଆଇ କୁ ମାଗିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ କୁ ଇଡି ଭେରିଫାଏ କରିବ, ଏ ଯୋଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଇଡି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଳମେଳ ରହିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହିବନି, ଏ ଯୋଉ ତିନି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ଖୋଲିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଇଡି ଖୋଳତାଳ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ କ୍ୟାସ ଆକାରରେ ହଉ, ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ଜେରା କରିବ ଯଦି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନରୁ ହିଁ ଅନେକଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂର କଥା ଆସୁଥିଲା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଇଡି ସ୍କାନରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଖବରକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।